अब छात्र है। मैं 1970 में इस यूनिवर्सिटी में पहले प्रवेश किया था, कितने 47 साल हो गए, और अब हम सीनियर सिटीजन हो रहे हैं या हो चुके हैं। और अब ये भारत और ये हिंदुस्तान आप लोगों का है, कैसे बनाना चाहते हो आप लोग तय करिए। जैसे हम लोगों ने हमारी पीढ़ी में तय करके, शरद जी हो, हम लोग सब राजनीति में आए ताकि देश को बेहतर बनाए। राजनीति विचारधारा अलग हो, सही हो या नहीं, लेकिन एक चीज़ है, अगर ये देश नहीं बचेगा तो ना आप बचोगे ना मैं बचूंगा, कोई नहीं बचेगा। आज खतरा उसका, और उस खतरे को सामना करने के लिए आप लोगों को सबको सोचते हुए आगे आने की जरूरत है। आखिरकार इस तरीके की खतरा आया क्यों, कैसे पैदा हो, और संक्षिप्त में इसको समझना है। अली अनवर साहब कुछ बातें कह रहे थे, लेकिन अगर आप लोग, क्योंकि छात्र आप है, आपकी विरासत है हमारा भारत, इस विरासत को समझना है तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर से शुरू होगी, तीन धाराओं के बीच में एक विचारधारा में टकराव होता रहा, और वो होता रहा एक सवाल को लेकर, और वो सवाल है कि आज़ाद हिंदुस्तान का चरित्र क्या होगा, उसकी कैरेक्टर क्या होगी इंडिया की। कांग्रेस उस समय जो नेतृत्व दे रही थी राष्ट्रीय आंदोलन को, उनका ये मानना था कि एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य बनना चाहिए भारत। वामपंथी जो उसी संघर्ष में शामिल थे उनके साथ एएससी की मीटिंगों में, मतलब वो जाते थे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, पहला प्रस्ताव संपूर्ण आज़ादी के लिए दो कम्युनिस्टों ने रखा था, जो गांधी जी ने उस समय स्वीकार नहीं किया था 1920 में। और ये दो कम्युनिस्ट कौन थे, एक मौलाना हसरत मोहानी, एक स्वामी जी थे। दो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उन्होंने प्रस्ताव रखा था जो फाइनली एक्सेप्ट हुआ था 1929 में अपील कराची कांग्रेस। तो ये जो विरासत रही है इसके अंदर टकराव क्या था, वामपंथियों का क्या कहना था कि सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य बनने से भविष्य हमारा एक टिकाऊ नहीं रहेगी, उस भविष्य को टिकाऊ रखना है तो आपको राजनीतिक आज़ादी जो मिलेगी उसे आपको आर्थिक आज़ादी में बदलना, जो नारा भगत सिंह ने दिया था कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर पीपल, एंड वो संभव तभी होगा एक समाजवादी व्यवस्था की ओर हम बढ़े। तो वो उनके कांग्रेस की जो दिशा थी, जो विजन था, उसे टकराते हुए नहीं लेकिन उसको आगे बढ़ाने, जो बात वामपंथियों की, इसके विपरीत तीसरा जो विजन जो कर आया उसके अंदर दो जुड़े भाई थे, और वो विजन का मतलब उनका कहना क्या था कि भारत जो बनेगा आज़ाद भारत, उस भारत का चरित्र तय होगा भारत के लोगों की धार्मिक आधार के आकार। और इसके दो जुड़े भाई कौन, एक था आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र की हिमायती करते हुए आज भी कर रहा है, और दूसरी ओर से मुस्लिम लीग जो इस्लामिक स्टेट की बात कही गई, और अफसोस की बात है देश का बंटवारा हुआ वो इस्लामिक पाकिस्तान बनी बड़ी, अब जो भी हो गया इतिहास में, हम भी पैदा हुए थे उसके बाद ही, अब वो सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन ये टकराव आज़ादी पे बंद नहीं हुआ कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना, वही गुस्सा था महात्मा गांधी की हत्या के पीछे। अब वो कोशिशें तब से लेकर आज तक जारी है, और अब ये सरकार आने के बाद ये और मजबूत हुआ। तो इसके अंदर ये इतिहास में संक्षिप्त में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी विरासत है ये मुल्क, और यहाँ पर ये मुल्क बना कैसे, यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे यही पर आप ही की यूनिवर्सिटी में अभी भी लाइब्रेरी के सामने स्वामी विवेकानंद का स्टैचू है, तो है कि नहीं, और स्वामी विवेकानंद ने कहा है जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग रास्ता एक ही महासागर में जाकर डूबते हैं, उस तरीके से अलग अलग इंसान अपनी अलग अलग धार्मिक भावनाओं से एक ही इंसानियत के महासागर में जाकर डूबते हैं। कौन सा मजहब है आपकी, क्या है आपका धर्म, वो इंसानियत के ऊपर नहीं, और इन सबको मिलजुल कर रहना ही इस देश को बनाया। और यही बात रविंद्रनाथ टैगोर चाहिए तो हर हर
जो महान जो भारत के व्यक्ति थे उन सबके कोटेशन में आपको दे सकता हूँ। ये सिंक्रेटिक एवोल्यूशन ऑफ इंडिया, दिस सिंक्रेटिक कल्चर, दिस इज द बेसिस ऑन विच यूनाइटेड इंडिया वॉज फॉर्म्ड एंड दैट इज द ओनली बेसिस ऑन विच इट कैन एग्जिस्ट। अब इसको हमें खतरा आज इसके इसके ऊपर है, आर्थिक सवाल, सूरज यादव जी बताए बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। आप लोगों के लिए वादा किया था कि दो हर साल 2 करोड़ नए नौकरियों की शुरुआत होगी, आज हालत क्या है आपके फॉर्मल सेक्टर में? 9.6 मिलियन जॉब्स, 9.6 मिलियन यानी 96 लाख जो नौकरी में थे उनकी छटनी हुई है पिछले एक साल में। ग्रामीण इलाकों में रोजगार योजना जो चलता था उसके लिए खर्चा आधा कर दिया। आपके सर्विसेज सेक्टर में बहुत सारे लोग आपके शायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इधर उधर जाना चाहते हैं सर्विसेज में, वहां पर 3 आपके सबसे बड़े कंपनियां विप्रो, कॉग्निजेंट और इंफोसिस, इन तीनों ने कहा कि 67,000 की छटनी होगी इस साल। तो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सब में ये जो क्राइसिस चल रहा है, आपका किसान अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है। अब ये सब जो हो रहा है तो ये साझी विरासत के ऊपर हमला करते हुए लोगों के अंदर बंटवारा पैदा करे धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, कभी गौरक्षक निकल आए दलितों पे और मुसलमानों पे हमला करने, कभी आपके एंटी रोमियो स्क्वाड्स, शायद आप में से कुछ इंग्लिश लिटरेचर के भी स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन अगर नाम ही रखना था तो आपके मॉरल पॉलिसिंग के लिए तो आप जरा शेक्सपियर को क्यों बदनाम कर रहे पता नहीं, वो एंटी रोमियो नाम क्यों लगाया, वो कुछ और नाम लगा लेते हो मॉरल पॉलिसिंग के लिए। लेकिन वो कहेंगे आपको क्या आप पहन सकते हो, क्या आप खाओगे, किसके साथ दोस्ती करोगे, कैसे आप रहोगे, आपकी जिंदगी कैसी होगी वो तय करेंगे। इस तरीके की सामाजिक बंटवारा लिया कर लोगों का गुस्सा जो उनकी आर्थिक बर्बादी जो हो रही है उससे अलग हटाने के लिए अपनी साझी विरासत पे ही एक बहुत बड़ा हमला आज जो है बिठाए गए। हर क्षेत्र में आप देखिए, यूनिवर्सिटी में अभी सूरज यादव जी बता रहे थे, हर यूनिवर्सिटी में JNU के अंदर वो जो हमला हुआ वहाँ पर स्टूडेंट्स इनटेक को बहुत मतलब 90% गिरा दी गई कई सारे सेंट्रल, आपके हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन सब पे हमला करते हुए वो आज चाहते हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान ज़्यादा ना उभरे अपने मुल्क के अंदर, वो सबसे बड़ा खतरा है उनको। नौजवानों के अंदर अगर चेतना बढ़ेगी और ये सवाल वो पूछने लगेंगे तो तब दिक्कत होगी, तो अगर उनको अपनी विचारधारा की तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे तो संख्या को ही घटा दो, और संख्या घटा दो और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलवा दो, जिसके पास पैसा है वो ही जा सकता है, बाकी लोग जो है वो बेकार रहे बर्बाद हो उसके लिए कोई परवाह नहीं है सरकार। अब ये सब शिक्षा के क्षेत्र में ये हमला क्यों हो रहा, क्योंकि वो वैज्ञानिक आधार जो होना चाहिए जो आप लोगों की अब बनती है, जैसे हमारी बनी हमारे BA और MA के टाइम पे, आप लोगों के अब वो आधार बनती है वैज्ञानिक आधार, जिसे पूरी जिंदगी भर आप उसके आधार पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। उसको बिगाड़ना, उस बुनियाद को बिगाड़ना, आप धर्म के आधार पर आपको बताना है कि एक ब्लाइंड ऑब्स्क्यूरिटिज्म की ओर आपको ले जाए। दाभोलकर की हत्या क्यों हुई, अंधविश्वास और उसके खिलाफ जो लड़ाई जो कर रहे थे, ये अंधविश्वास जितना बढ़ेगा उतना उनके ये सांप्रदायिक हमलों को ज्यादा जोर मिलेगा। तो इसीलिए छात्रों के ऊपर और खासतौर से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये हमला उनकी जारी है, और यही वैज्ञानिक आधार उसके ऊपर हमला। और मैं सिर्फ एक उदाहरण देके मेरी बात खत्म करूंगा, शरद जी बोलेंगे अभी। अब आप देख लीजिए, आप छात्र हैं तो शायद आपको दिलचस्पी होगी इस बात में, भगवद गीता में ये कहता है संभवामि युगे युगे, यानी जब भी संकट में आ जाता है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी धर्म का स्थापित करने के लिए दशावतार आते, 9 आ चुके हैं 10वां आना है। ये है आपका एक धार्मिक विश्वास। अब ये 9 ये दशावतार है कौन,
वैज्ञानिक तौर से नहीं किया। मत्स्य सबसे पहला, और विज्ञान क्या बताता है कि जीवन और जिंदगी की शुरुआत पानी के अंदर पहले शुरू हुआ, और अंडर वाटर लाइफ इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वो है मत्स्य। दूसरा अवतार कौन सा है? वराह। वराह क्या है? एक टॉर्टोइस जो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। और मत्स्य कूर्म वराह, सॉरी कूर्म इज द टॉर्टोइस एंड देन वराह इज द वाइल्ड बोर, जो जो ओके लैंड में रहता है, यानी ट्रांजिशन आपके पानी के अंदर से पानी के बाहर तक लाइफ फॉर्म की ट्रांजिशन। उसके बाद क्या आता है? मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, आधा आदमी आधा जानवर। और उसके बाद अगला वामन, वामन माने पहले ड्वार्फ फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म का पहला अवतार। और उसके बाद परशुराम, परशुराम के हाथ में क्या होता है याद है किसी को? एक एक्स होता है ना, वो एक एक्स होता है, यानी फॉरेस्ट को क्लियर करने की काम, यानी ह्यूमन हैबिटेशन शुरू हो रही है ह्यूमंस की, वो फॉरेस्ट को क्लियर करके ह्यूमन हैबिटेशन को बसा रहे हैं। परशुराम की बात कौन आते हैं? राम, राम जी भी, जो रामलीला हमने किया। और राम जी के हाथ में हथियार कौन सा होता है? तीर धनुष। यानी जो ह्यूमन हैबिटेशन है उसके ऊपर अगर हमले होते हैं, उस हमलेवार को दूर से ही हम खत्म कर सके, जो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल चाहिए, और लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल है आपका तीर, शरद जी का चुनाव चिन्ह वही लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल वो है। और वो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल के राम अवतार के बाद कौन आता है? बलराम। बलराम के हाथ में क्या होती है? हल। यानी आपके फॉरेस्ट क्लियर करके ह्यूमन हैबिटेशन हुआ, ह्यूमन हैबिटेशन को आपने बचाया, फिर वो ह्यूमन हैबिटेशन जो है एग्रीरियन इकोनॉमी के रूप में बदली, और हल चलाते हुए आप जो है एग्रीरियन सोसाइटी और इकोनॉमी बदली। और बलराम के बाद कृष्ण, कृष्ण के बारे में बाकी सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक चीज आपके क्या मक्खन चोर, यानी आपके डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ लैंड के बाद, यानी एग्रीकल्चर के बाद अगला अवतार किसका है? डोमेस्टिकेशन ऑफ द काउ, डायरी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी फिर डायरी इकोनॉमी। अब आने वाला कौन है? दसवां कल्कि। और उसको किस तरीके के चित्र में देखते हो आप? घोड़े पे, घोड़सवार। यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ लैंड, डोमेस्टिकेशन ऑफ द काउ एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द हॉर्स। आज भी फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हो, आपकी पूरी गिनती होती है हॉर्स पावर को, और हॉर्स पावर का मतलब ये हॉर्स के ऊपर जो कमांड किया वो था आर्य। पहले पैदल चल के लोग जो है दुनिया में घूमते थे पृथ्वीमंडल में, आप एक बार घोड़े को अपने कब्जे में लिया और घोड़सवार पे पूरे दुनिया घूमता रहा, और उस तरीके से आर्य जो है वो पहुंचा। ये आर्य का एक कल्पना कि वहां तक वो कैसे पहुंचा। मत्स्य पूर्व वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम कृष्ण कल्कि। तो अब ये एक आधार आप कह सकते हो कि मैं नास्तिक हूं, धर्म में विश्वास नहीं रखता हूं, इसलिए ऐसे बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बातें सुनना तो चाहिए आपको, विचार तो करनी चाहिए, इसके बारे में चिंतन तो करनी चाहिए कि ये भी एक राय है। सांझी विरासत पर हमला का मतलब और कोई तरीके के विचार ना आए आपके दिमाग, और ये है सबसे बड़ी लड़ाई। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए आपके सिलेबस बदले जाएंगे, आपके इंटेक घटा दिया जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटीज को कमजोर कर दिए जाएंगे, ताकि दूसरी किस्म की कोई वैज्ञानिक सोच ना बढ़े, और ये हमले को सामना करना अब आपकी आपकी जिम्मेदारी, आपकी पीढ़ी को करना है। जैसे जनवादी अधिकारों पर हमला हुआ हमारे पीढ़ी पर इमरजेंसी के तौर, हमने उसका झेला, सामना किया और उसको सुधारा,
ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब जो हमला आ रहा है अपने सांझी विरासत पे, उसको उसका कड़ी से कड़ी जवाब देकर वापस अपने हिंदुस्तान की वो जो मल्टीपल आइडेंटिटी की जो हमारी विरासत है उसको आपको रखना। अगर आप विदेश जाओ तो कहेंगे जब से मैं भारतीय हूँ, अगर देश में वापस आओ तो कहेंगे मैं बिहार से हूँ, मैं बिहारी हूँ, उतना ही गर्व से। बिहार में जाओ तो आप कहेंगे हम सहरसा से, उतनी ही गर्व से। और उसके बाद अपनी जात के बारे में कहोगे उतनी ही गर्व से। ये सब मल्टीपल आइडेंटिटीज ही बनाता है इंडिया में। ये मल्टीपल आइडेंटिटीज जब आप खत्म करके एक आइडेंटिटी में ले आने की कोशिश करोगे तो ये भारत भारत नहीं रहेगा। तो इसलिए ये शंकरलाल कॉन्सर्ट हॉल है, संगीत होती है यहाँ पर नॉर्मली, इसीलिए शंकरलाल जी श्री राम जी ने बनाया इसको। और वो संगीत के लिए एक आखिरी बात देख के मैं आपसे बात कर रहा, भारत का मतलब क्या है, भारत, ये तीन सिलेबल है ना भारत, का भावम, भावम जो संस्कृत में कहते हो आपकी कैरेक्टर, रागा, बिना राग के कोई संगीत की सृष्टि नहीं हो सकती, ताल, बिना राग के साथ ताल बजे हुए कोई सिंफनी नहीं बन सकती। भारत का मतलब है भावम रागम तालम, ये तीन जब जुड़ते हैं तब सुंदर संगीत बनेगी जिसको हम और आप सुन सकते हैं, और ये तीनों जब बिगड़ते हैं तो सिर्फ ऐसी हाहाकार की आवाज़ आएगी जिससे वंचित होकर ये देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस भारत को बचाना है, इस सांझी विरासत को बचाना है, ये आप करेंगे, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। और हमें बड़ी अच्छी लग रही है और गर्व की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सालों के बाद आने का मौका मिला, क्योंकि अब छात्र संघ ऐसी बन गई जो हमारे जैसे लोगों को भी बुला लेंगे। पहले कुछ साल पहले और इस परंपरा को और आने वाले दिनों में और मजबूत करेंगे आप। इससे ये बात कहते हुए आप सबसे ये मौका जो दिया उसके लिए धन्यवाद एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।